दोस्तों भारत और आयरलैंड के अंदर 20 अगस्त को यानी आज शाम के 7:30 पर मुकाबला होने जा रही है डेलबर्न की मैदान पर। जी हां दोस्तों, आयरलैंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन भारत की रणनीति क्या होगी, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, भारत के प्लेइंग 11 में कौन कौन सी खिलाड़ी नजर में आएंगी, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि पहला T20 मुकाबला में आयरलैंड और भारत के अंदर हुआ था और पहला T20 मुकाबला को बारिश की वजह से भारत को जीत मिल गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ी यशस्वी जैसल की पारी आया था, उसके बाद तिलक वर्मा भी 0 पर आउट होकर चला गया था। लेकिन दोस्तों प्लेइंग 11 में क्या सुधार आएगा और प्लेइंग 11 क्या परिवर्तन होगा आज किस मुकाबले में, जबसे बुमराह किस रणनीति को लेकर आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 के लिए अपनी प्लेइंग 11 घोषित करेंगे आज किसी वीडियो में जानेंगे, और मुकाबला कितने बजे होगा और कौन सी ग्राउंड पर होगा आज किसी वीडियो में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना अवश्य बनता है। दोस्तों भारत और आयरलैंड के अंदर 3 T20 सीरीज की आगाज हो चुका है, जिसमें पहला T20 को भारत ने DSL मेथड से 2 रन से जीते नजर आए थे और आयरलैंड को करारी हार का साबित करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से भारत 2 रन से आगे थे तो DSL मेथड में भारत को विजेता घोषित किया गया था। तो दूसरा T20 आयरलैंड की टारगेट है कि ये मुकाबला जीतकर मैच में एक पकड़ बनाएंगे, क्योंकि भारत पहला T20 मुकाबला जीत चुका है तो आयरलैंड एक मुकाबला जीतेंगे तो मुकाबला दोनों तरफ पे रहेगा और आखिरी मुकाबला देखने के लिए बहुत मजा आएगा। लेकिन आज किसी मुकाबले में दोस्तों डेलबर्न के मैदान पर मुकाबला खेला जाएगा, द विलेज आयरलैंड में मुकाबला खेला जाएगा। आज किसी मुकाबला 20 अगस्त आज शाम के 7:30 पर मुकाबला खेला जाएगा और आज किसी मुकाबले में जबसे बुमराह के साथ स्टर्लिंग कप्तानशिप करेंगे आयरलैंड की, और भारत के प्लेइंग 11 में क्या क्या परिवर्तन होगा आइए आज किसी वीडियो में जानते हैं। तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए धुआंधार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, तो उनके साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आएंगे। नंबर 3 के ऊपर तिलक वर्मा आएंगे, लेकिन रणनीति को परिवर्तन करने के लिए शिवम दुबे को ऊपर खिला जा सकता है। जी हाँ, शिवम दुबे के पास बहुत ही अनुभव है कि लंबी लंबी छक्का लगाने के लिए, और शिवम दुबे और रन की पारी लिभाएंगे और नंबर 4 के पर हम सभी को बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। लेकिन भारतीय टीम में क्या दोस्तों अजितेश शर्मा को प्लेइंग 11 आना चाहिए या तो नहीं, आप लोग कमेंट करके अपना राय को दीजिए। लेकिन नंबर 5 के पर हम सभी को संजय सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाजी के रूप में आज किसी मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ नजर आएंगे। तो नंबर 6 के ऊपर रिंकू सिंह नजर आएंगे, जो कि कोलकाता के लिए काफी शानदार मुकाबला खेल चुके, काफी शानदार लंबी लंबे छक्का लगा चुके हैं। हम लोग देखे थे कि 6 बॉलों में 6 छक्का लगाने वाली ये बल्लेबाज और ये खिलाड़ी है। लेकिन नंबर 7 के ऊपर वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर नजर आएंगे। नंबर 8 के ऊपर जबसे बुम बुम बुमराह कप्तान नजर आएंगे, अब जिन्होंने पहले मुकाबला को जीत चुका है और दूसरे मुकाबला को भी टारगेट करते हुए नजर आएंगे। प्रक्षित कृष्णा नंबर 9 के ऊपर नजर आएंगे, तो नंबर 10 के ऊपर भारतीय टीम की तरफ से लेफ्ट हैंड गेंदबाज हरदीप सिंह आखिरी खिलाड़ी के रूप में रवि विष्णु स्पिनर को लेकर आएंगे। और भारतीय टीम की रणनीति में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। क्या दोस्तों भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शहबाज अहमद और रजितेश शर्मा को प्लेइंग 11 शामिल करना चाहिए तो नहीं, आप लोग कमेंट करके अपना राय को दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।